तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एस सी बी अपडेट। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि आप लोग तो फॉर्म जो है भरने लगेंगे, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेज में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फॉर्म जो है भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2025 के लिए। तो अब आप लोग को करना क्या कि फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का क्या होगा, सेंटअप का परीक्षा होगा, ठीक है। सेंटअप का परीक्षा होगा, तो वो आखिरकार कब से होगा, इसका बिहार बोर्ड ने फाइनल डेट जारी कर दिया। चलिए, आज का वीडियो हम इसी को टॉपिक पर लेकर बात करना चाहते हैं कि आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा, ठीक है, और उसमें कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग को सारा जानकारी देते हैं। आप लोगों को करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना है वीडियो को, और नीचे व्हाट्सअप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना है। सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को सारा जानकारी देते हैं। सबसे पहले आना है क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, उसके बाद इस पर चले जाना है। सारा जानकारी आप लोग को सेंटअप एग्जाम का यहीं मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोग को वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। न्यू अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, सेंटअप परीक्षा जो है ना, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो दिया गया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्ज़ाम डेट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग सोचिएगा, आप सेंटअप एग्ज़ाम का पूरा जानकारी आप लोग को नीचे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ाम जो है ना, सभी स्टूडेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा एग्ज़ाम, सब सब्जेक्ट, यानी कि आप लोग को जितना 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंटर वाले का 5 सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कि वो बायो मैथ दोनों रखे होंगे, एक्स्ट्रा में 6 सब्जेक्ट होता है, तो हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में आप लोग को अटेंडेंस बनाना ज़रूरी है, यानी कि अटेंडेंस बना के और आप लोग को एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं लगेगा तो आप लोग का एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड नहीं जारी करेगा। और हाँ, आप लोग को जो है जो एग्ज़ाम देने जाना है, इन्हें कि आप लोग जैसे एक कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जाना होगा कॉलेज में। और सेंटर परीक्षा का डेट जो आप लोग को दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि 27 अक्टूबर से आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप लोग से एक महीना बचा हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर। और आप लोग का 10th वाले का तो 23 नवंबर से होगा, ठीक है, 27 नवंबर सेंटअप एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोग को डमी, उसके बाद क्या होगा कि आप लोग का डमी एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। सेंटअप एग्ज़ाम कैसा होता है, सेंटअप एग्ज़ाम होता है आप लोग को जैसा कि मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, उसी प्रकार जो है सेंटअप एग्ज़ाम दिया जाएगा, और इसमें आप लोग को पास करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सारे जानकारी दिया गया है, रूटीन मॉडल पेपर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटअप एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए दोस्तों। आप लोग के लिए एक महीने का समय बचा गया है, तो फॉर्म भरने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई जो है अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोग का बिहार बोर्ड टाइम कब बीतेगा आप लोग को खुद पता नहीं चलेगा, और इंटर का एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। तो इंटर मैट्रिक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सेंटअप का तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये मंथली जो एग्ज़ाम होता है ना, ये अलग है, सेंटअप एग्ज़ाम पूरा अलग होता है, ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम अलग होता है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, अक्टूबर में आप लोग का सेंटअप परीक्षा होगा, ठीक है। यहाँ डेट भी मैंने बता दिया, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।